गाइस आज हम पालक और मसूर दाल बनाने जा रहे हैं, तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हमें गैस पे एक प्रेशर कुकर लेना है। इसमें हमें डालना है एक बड़ा चम्मच सरसों का तेल। आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। तेल को अच्छे से हमें गर्म होने देना। तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे एक बड़ा साइज का कटा हुआ प्याज, 5 से 10 कली लहसुन के, 2 हरी मिर्च जिसे हमने टुकड़े में काट लिया है। इन सभी इंग्रेडिएंट्स को हमें तेल में डाल देना है और इसे सॉफ्ट होने तक हमें भून लेना है। जब तक अपना प्याज भून रहा है तब तक हम पालक को काट लेते हैं। यहाँ पे हमने पालक को काट लिया है। अब चलिए हम दाल को धो लेते हैं। हमने यहाँ पे अपना दाल भी धो लिया। अब चलते हैं कुकर के पास। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया अपना प्याज लहसुन मिर्च भून चुका है। इसमें हम दाल को छोड़ देंगे। दाल के साथ ही हम कुछ मसाला इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल रहे हैं, 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल रहे हैं, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल रहे हैं और साथ में हम 1/2 चम्मच गरम मसाला भी डाल ले रहे हैं। अब हम इसे कुछ मिनट के लिए भून लेंगे प्याज के साथ में। तो आप देख सकते हैं प्याज के साथ हमारा दाल भी अच्छे से भून चुका है और मसाला भी भून चुका है। अब हम इसमें जो कटा हुआ पालक है इसे छोड़ देंगे और 2 से 3 मिनट तक इसे भी भून लेंगे। तो यहाँ पे हमने दाल के साथ पालक को अच्छे से भून लिया है। आप देख सकते हैं पालक का पता भी नहीं चल रहा है। अब हम इसमें डालेंगे पानी। पानी हम दाल पकने के लायक ही डालेंगे, यानी कि जितने में अपना दाल अच्छे से पक जाए। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम लीड लगा के इसे 3 से 4 सीटी तक पका लेंगे, यानी कि दाल अपनी अच्छे से गल जानी चाहिए। फिर हम आपको दिखाते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारा मसूर दाल पालक तैयार है। इसे आप अच्छे से घोट लीजिए और तड़का डाल के खाइए। बहुत ही मजेदार रेसिपी है। तो फ्रेंड्स इस मसूर दाल पालक की रेसिपी को आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर लिखिए। धन्यवाद।